केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान आया कि देश के हर राज्य में कल से ड्राई रन होगा, जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपील ये की कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की अफवाह में ना आए। टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत जारी है। कल यानी कि 8 जनवरी को हरियाणा, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन किया जाएगा। सबसे बड़े वैक्सीनेशन मिशन का पूरा प्लान 30 सेकंड में आपको समझाते हैं। कल 8 तारीख को सारे देश के अंदर हम ड्राई रन कर रहे हैं। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर जो कि पहले ही उन्होंने अपना काम किया, कल हम 33 स्थानों पर, 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ड्राई रन है। 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिनों के लिए ड्राई रन किया गया था, फिर 2 जनवरी को 285 जिलों में ड्राई रन किया गया था। तो कल बड़ा दिन है और ड्राई रन के जरिए तैयारियों को धार दी जाएगी, हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत जारी। वैक्सीनेशन के दौरान कोई कमियां ना रह जाए, उससे पहले हर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत जारी है, देश में जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अपने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की तरफ फाइनल स्टेजेस में बढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी व्यवस्था में सब चीज़ें नीचे तक बहुत विस्तार से मॉनिटर कर लें। स्वास्थ्य मंत्रियों के लेवल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि कोरोना के दौरान देश को जिन चीजों की जरूरत थी वो सब मुहैया कराया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।